एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी सिंपल एज लाइफ में। यहाँ पर मैं अपना पेरेंटिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है या इससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में नोटिफिकेशन बेल है उसको हिट कर ले, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। और ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर एक साल से बड़े बच्चे को उल्टी होती है तो उसका क्या कारण होता है और उसको किस प्रकार हम घर में ही ठीक कर सकते हैं। चाहे बच्चा एक साल से छोटा हो या फिर एक साल से बड़ा हो, जब बच्चे को उल्टी आती है तो मेन जो कारण होता है वो होता है इन्फेक्शन, साफ सफाई। ऐसे में हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो फ्लोर पे टहलते हैं, हर चीज़ को अपने मुंह में लेने की कोशिश करते हैं और वो अपने गंदे हाथों से कुछ चीज़ें खाते हैं जिसके कारण जो इन्फेक्शन है अंदर चला जाता है और उल्टी की वजह बन जाती है। कई बार उल्टी होने का कारण बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होना होता है या फिर बच्चों ने कुछ ऐसा खा लिया जिससे बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई, या फिर जो मौसम चेंज होता है और उस टाइम पे वायरल चल रहा होता है, इस कारण भी बच्चे को उल्टी आने लगती है। और कई बार उल्टी की वजह एलर्जी भी होती है। तो आइए एक एक करके इसी पर हम बात करते हैं। कई बार बच्चे के उल्टी का कारण होता है जब बच्चा ज़्यादा खा लेता है या फिर बच्चे ने सही से चबा के नहीं खाया है या उसको पचाने में दिक्कत हो रही है, तो उस कारण भी बच्चों को उल्टी होती है। कई बार इसका कारण गर्मी भी होता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उस कारण बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बच्चों को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये मेन कारण होता है फूड पॉइजनिंग से बच्चों को उल्टी होने का। कई बार इसलिए भी इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि बच्चों के आसपास गंदगी होती है, बच्चे उन्हीं गंदे हाथों से खाना खाते हैं जिस कारण बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए बच्चों को टाइम टाइम पर अपने हैंड वॉश करते रहना चाहिए जिससे जो इन्फेक्शन है वो उनके अंदर तक ना जाए। कई बार उल्टी आने के कारण मौसम का चेंज होना होता है। कई बार क्या होता है, जो मौसम जो चेंज होता है जिस कारण सर्दी ज़्यादा लगने लगती है या फिर बहुत गर्मी हो जाती है, इस कारण भी बच्चों को उल्टियाँ आना शुरू हो जाता है। और उस टाइम पर जब मौसम चेंज होता है तो वायरल भी स्टार्ट हो जाता है, बुखार लोगों को आता है, तो इस कारण भी बुखार के साथ साथ उल्टी भी आने लगती है। जैसे ही बच्चा एक साल का होता है और बच्चे जो हैं वो सॉलिड फूड पर आ जाते हैं, तो जो सॉलिड फूड होते हैं वो जो बच्चे हैं वो जल्दी पचा नहीं पाते हैं क्योंकि उनका स्टार्ट ही हुआ होता है, उस कारण में बच्चों को उल्टी की प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार हमें पता नहीं होता है, बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं, इस वजह से भी बच्चों को उलझन होती है और वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बच्चों को अपने सामने ही खाना दें। कई बार उल्टी होना पानी की कमी के कारण भी होता है, पानी बच्चे कम पीते हैं इस कारण भी बच्चों को उल्टी आती है और जो भी वो बच्चे खाना इनटेक करते हैं वो सारा बाहर निकल जाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं अगर बच्चे को उल्टी आ रही है तो उस पर हम घरेलू रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं और कैसे हम घर पर ही उल्टी को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है और बहुत टाइम से हो रही है तो उस केस में आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। अगर बच्चे को उल्टी हो रही है तो आप घर में कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब उल्टी होती है तो बच्चों में पानी की कमी हो जाती है, तो आपको जो पानी है वो बच्चों को देते रहना है। और कई बार जो उल्टी होने का कारण होता है वो होता है साफ पानी ना पीना, तो ऐसे में बच्चों को हमेशा उबला हुआ पानी दें या फिर आरओ का पानी भी आप दे सकते हैं। जब बच्चों को उल्टी होती है उस टाइम पर आप ORS का घोल मंगवा लें या फिर आप नमक और चीनी का घोल घर पे भी बना सकते हैं, बच्चों को वही दे जिससे बच्चे हाइड्रेटेड रहेंगे। जब बच्चे उल्टी करते हैं तो उस टाइम पर जो बच्चों का पेट है वो खाली हो जाता है, तो आप ये ना सोचें कि बच्चे ने कुछ नहीं खाया है बराबर उल्टी कर रहा है तो उसको हम खाना खिला दें। ऐसे में हमें सॉलिड फूड बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देने चाहिए। आप जो है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दें। अगर
गर्मियां चल रही हैं तो उस मौसम में आप नारियल पानी दे सकते हैं, जितने भी लिक्विड जैसे जो भी फ्रूट्स के जूसेस होते हैं वो आप घर पे निकाल के दे सकते हैं बच्चों को, या फिर खाने में देना है तो आप दलिया हल्का खाना दें दलिया दे सकते हैं, या फिर मूंग की दाल की खिचड़ी होती है वो पतली पतली सी बनाकर बच्चे को खिला दें। अगर बच्चे को उल्टी आ रही है उस टाइम पर आप प्याज का रस बच्चे को पिला सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी इससे जो उल्टी है वो होना ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे प्याज का रस इजीली नहीं पी पाते हैं तो उस केस में आप पुदीने का जो रस होता है वो दे सकते हैं शहद में मिला, या फिर आप अदरक का रस में शहद मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं, थोड़ा सा मीठा होगा तो बच्चा इजीली उसको चाट लेगा। और आप घर पे पाउडर भी बना के रख सकते हैं, जैसे जायफर हो गया या इलायची हो गई लौंग हो गई, इसका आप महीन महीन इसको पीस कर और बच्चे को शहद के साथ चटा दे तो इससे भी बच्चे को उल्टी में राहत मिलेगी। अगर इन सब नुस्खों से आपके बच्चे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी उल्टियां होना बंद नहीं हो रही हैं, तो उस केस में आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है, आपको वेट नहीं करना है। हालांकि ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं इससे बच्चे को आराम मिल जाती है, बच्चे को अगर उल्टी के साथ साथ दस्त भी आ रहे हैं तो उस केस में आपको बच्चे में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है, उसे पानी जितना पिलाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे का पेट खाली है और वॉमिटिंग से जो बच्चे जो हैं वो उल्टी से सब कुछ अपना अंदर से निकाल देते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, जिस कारण पानी की कमी के कारण बच्चों की परेशानी और भी बढ़ सकती है। तो बच्चों को आप बराबर लिक्विड देते रहें, वो आप किसी भी रूप में दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिससे लोगों की मदद हो, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। तो बाय बाय।